कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सरमायाकारी के नाम पर आवाम से फ्रॉड के केस में B4U के मालिक सैफुर रहमान नियाजी को सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिम के अहाते है अदालत से गिरफ्तारी का नोटिस। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने नैब से गिरफ्तारी पर वजाहत तलब कर ली। B4U के मालिक सैफुर रहमान इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मंसूख होने के बाद मफरूर थे। नैब टीम 3 दिन से मुलजिम को तलाश कर रही थी। सैफुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट पहुँचने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। नैब टीम इत्तला मिलने पर सुप्रीम कोर्ट अहाते के बाहर पहले से मौजूद थी। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की अहाते अदालत से गिरफ्तारी का नोटिस दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने नैब से गिरफ्तारी पर वजाहत तलब करते हुए मुलजिम को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया।